हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर रियल नंबर कंटिन्यू करेंगे। ओके, रियल नंबर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? देखो, इसके अकॉर्डिंगली किसी भी रियल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, सो इट स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यहाँ फैक्टर्स की स्पेलिंग को ठीक करेंगे, फैक्टर्स। देखो बच्चों, जो हमारे फाइनल एग्जाम में 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, कई बार वहाँ डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। ओके, तो हमारे को छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ एक टर्म हमने ली, इसने वर्ड यूज किया प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? क्या प्राइम फैक्टर्स जो इसने यूज किया प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स वो होंगे ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, वन को छोड़कर। ओके, या ये कह सकते हैं कि जिनके फैक्टर्स दो होते हैं, एक तो वो और दूसरा वन। ठीक है, उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो इनकी स्टार्टिंग होती है 2, 3, 5, 7 और इसके बाद आता है 11, देन 13, देन 17, देन 19। इस टाइप से जो नंबर होते हैं इनको प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। तो याद रखना कि फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो नंबर होता है वो कहाँ से? 2 से। वी स्टार्ट फ्रॉम 2। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। जैसे हमने 20 को लिखना है तो हम क्या लिख पाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 × 2, 4 × 5, 20 होता है। तो हमने 20 को एक्सप्रेस किया इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ जो नंबर हमारे पास थे 2 और 5, ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और 20 है वो एक कंपोजिट नंबर है। ओके, तो देखो, इसको एक्सप्रेस करने के लिए प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कैसे करना है, ये तो हमारे को सिंपल सा पता लग गया। लेकिन जब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो उसको किस फॉर्म में किया जाएगा, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ देखो, जैसे हमने एक नंबर लिया, वो नंबर क्या है? 32760, ये एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल है। तो देखो, यहाँ सबसे ऊपर हमने लिखा है 32760, इसको सबसे पहले हम किससे?
2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 है यहाँ, 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 16380 ही आ गया हमारे पास, ओके। देन इसको अगेन 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट यहाँ 8190 आएगा, फिर अगेन 2 से किया जाएगा तो 4095 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 आ चुका है। देन हम 3 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1365 हुआ, ऐसे अगेन 3 से 455, देन 5 से करेंगे तो 91, देन 7 से 13। तो ये जो हमारे पास एक पैटर्न बना यहाँ, इस पैटर्न को फॉलो करना है हमारे को अपना आंसर देने के लिए। दैट क्लियर, ओके। तो हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे ये देखो, एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक 140 का, अगर हमारे को प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो कैसे किए जाएंगे। 140 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा, 70, ओके। फिर उसको अगेन 2 से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो रिजल्ट आएगा 35। देन किससे करना पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई, 5 से, और फिर लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 7। तो देखो 7 5 35 35 2 70 72 140, तो 140 को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ओके। इसके बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बनेंगे, एक एलसीएम एंड एचसीएल। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो मल्टीपल वो होता है जो किसी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए या उसकी टेबल में आए, ओके। तो दो नंबर के बीच फाइंड करना पड़ता है, मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए, या एक ऐसा नंबर जो दोनों ही नंबर से डिवाइड हो जाए वो सबसे छोटा होना चाहिए, ओके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम 2 और 3 का एक मल्टीपल लेना चाहें तो क्या आएगा, 6, क्योंकि 2 की टेबल में 6 और 3 की टेबल में भी 6 आता है, ओके। हालांकि इसके अलावा और भी बड़े नंबर होंगे जो इनकी दोनों की टेबल में आएंगे, बट सबसे छोटा नंबर 6 है। देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज 6, ओके। ऐसे ही एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करते, वो गिवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, और ये गिवन नंबर को डिवाइड करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। और इसको जीसीडी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, जीसीडी। GCD stand for greatest greatest common divisor, greatest common divisor and SCF दोनों सेम थिंग्स हैं, ओके। जैसे और यहाँ ये दोनों तो सेम थिंग्स होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ओके। तो एक बात याद रखनी है कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक फैक्ट है। ओके, जैसे सपोज करो कोई दो नंबर गिवन है, हमारे को नंबर है ए एंड बी, ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स। ओके, तो यहां हमने एक नंबर ए लिया, और अगर एक नंबर बी है, ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स, इसकी मल्टीप्लाई मैं एक नंबर बी से करता हूं। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ओके, तो देखो यहां हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, फोर, फर्स्ट नंबर देन सेकंड नंबर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ, इसको हम इसी पैटर्न में लिखेंगे। ओके, और अगर यहां से कोई भी टर्म मिस है, जैसे अगर उसने कोई हमसे क्वेश्चन दिया कि टू नंबर्स आर गिवन एंड देयर एलसीएम आल्सो गिवन, देन वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ दोस नंबर्स। ओके, जस्ट बाय पुट एलसीएम, ओके, जस्ट बिहाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वी कैन से दैट बट इफ वी डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय देयर एलसीएम वी गेट एचसीएफ। ओके, अब यहां एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, हमारे पास गिवन नंबर्स 26 and 91। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम 26 को रिप्रेजेंट करेंगे एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, यही होंगे ना। ओके, और 13 को हम क्या लिख पाएंगे, सॉरी 91 को, हम लिख पाएंगे प्राइम फैक्टर्स में 7 मल्टीप्लाई बाय 30, ये होंगे। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना, अगर इनका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम इज इक्वल टू, तो देखो एलसीएम वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो निकालने के लिए 13 तो यहां भी है और यहां भी है, तो 13 को वन टाइम लिख दो, मल्टीप्लाई बाय इसके बाकी जितने भी फैक्टर्स बच जाएंगे उनको भी लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ऊपर से 2 रह जाएगा और नीचे 7 रह जाएगा, इज दैट क्लियर। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, विच इज इक्वल टू 13 7 जा 91 होता ही है, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 182। और अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ क्या होगा, जो सिर्फ वन टाइम कॉमन है, ओनली कॉमन फैक्टर इज कंसिडर्ड एज इट्स एचसीएफ, इज दैट क्लियर। ओके, तो एलसीएम हमारे पास आया 182 और एचसीएफ आया कितना, 1, एचसीएफ इज 13 ओनली। ओके,
नाउ अब यहाँ एक चीज देखो, नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 182 क्या रिजल्ट आएगा? मल्टीप्लाई करके देखो, 13 2 26 होता है ना? ओके, तो 26 यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, देन वी कैरी 2, 13 इट्स 104 एंड 2 ऐड करेंगे अगेन 106 होगा है ना, और 13 on 13 13 and 10 23 2 3 6 6 इनका प्रोडक्ट होगा। ओके, और ऐसे ही अगर हम जो गिवन नंबर थे यानी कि 26 and 91 इसकी मल्टीप्लाई 91 से करो क्योंकि ये गिवन नंबर थे हमारे पास। ओके, इनका भी जो प्रोडक्ट है अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है कितना, 2 3 6 6 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही हम किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर नंबर हमारे पास 3 आ जाते हैं। ओके, तो उनमें हम ये वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स जब गिवन होंगे तभी वो हमारे से पूछेगा भी और तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पा सकते। ओके, जैसे एक और एग्जांपल, गिवन नंबर्स हमारे पास हैं, गिवन नंबर्स हैं 12, 15 एंड 21। ओके, इनका हम एससीएफ भी फाइंड करना चाहते हैं और एलसीएम भी, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, देन 15 को हम क्या लिख पाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओनली। ओके, देन 21 को लिख पाएंगे क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहां, अगर इनका हमको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम क्या होगा देखो, कॉमन मल्टीपल 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां भी है, तो कॉमन में 3 आया हमारे पास, बाकी 2 है यहां, 5 and 7 और कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी अदर फैक्टर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ये दोनों 2 ये वाले आए हैं हमारे पास जो 12 में से आए, और यहां से क्या बचा, 5, नेक्स्ट 15 से 5 और यहां से 7 भी बचा, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो। ओके, रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या, आई थिंक 420 आ रहा है, 420 3 2 6 6 2 12 12 5 60 67 420। ओके, नाउ इफ वी वांट टू फाइंड एलसीएफ, सो एलसीएफ क्या होगा इसका, थोड़ा ध्यान देना, ऐसे होता है ओनली कॉमन फैक्टर। ओके, और ऐसा ही कॉमन नंबर जो सबको डिवाइड कर पाएगा वो कौन सा है, वो जो तीनों में आया हुआ है वो है ओनली नंबर 3। तो यहाँ रिजल्ट हमारे पास आता है एलसीएफ का 3। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, देखो एक्सप्लेन व्हाई 3, इसने एक क्वेश्चन लिया कि 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय
थर्टीन प्लस थर्टीन, यहाँ एक मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखो कंपोजिट नंबर कैसे पता लगता है किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर बन जाते हैं तो वो कंपोजिट होगा। ओके, तो हम देखो इसको कैसे लिख पाएंगे, यहाँ टू टर्म्स हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13। ओके, तो इन दोनों नंबर के में से हम 13 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि देखो 13 तो बाहर कॉमन जा चुका है ना, और प्लस बचेगा 13 बाहर कॉमन, तो यहाँ प्लस 1 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ से बाहर 13 अंदर 7 इंटू 11 77 प्लस 1 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 78। तो इसका मतलब ये नंबर प्रोडक्ट है कि दो नंबर का है ना, तो इसीलिए जो गिवन नंबर है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ओके वेरी गुड, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, दिक्कत आए तो दोबारा से वीडियो को देखो, और जब तक कोई चीज क्लियर ना हो जाए अपने टीचर से पूछो, ठीक है, और क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ो। इसके बाद क्वेश्चन है, अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे सपोज करो 2 raised to the power n, या एक नंबर हमने लिया 6 raised to the power n, या हम एक नंबर लेते हैं 8 raised to the power n, ओके, इन नंबर्स का एंड जीरो डिजिट से हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा, और इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या। देखो जैसे हमने एक नंबर लिया 2 square का रिजल्ट 4 आता है, अगर हम 2 raised to the power 5 लें, तो उसका रिजल्ट 32 आता है ना। मैं यहाँ एक छोटा सा एक्सप्रेशन और एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ, अगर हमने 2 raised to the power 1 को सॉल्व किया तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 है ना, और अगर हम 2 raised to the power 2 को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा कितना, 4, और अगर हम 2 raised to the power 3 को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, 8। तो ऐसे ही हमारे को ये बताना है कि 2 की कोई पावर ऐसी बन सकती है जिसका एंड यानी कि जिसकी यूनिट डिजिट 0 आए, ओके, तो याद रखना इसकी कंडीशन है, और जो भी नंबर उस कंडीशन को फॉलो करेगा उसका ही एंड 0 डिजिट से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। टू एंड, टू एंड्स विद डिजिट 0, any number must contains 2 and 5 as its prime factors. Okay, 2 and 5 as its prime factors.
अगर नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 बोथ हैं, 2 एंड 5 बोथ, देन उस नंबर का एंड 0 लीड से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहां क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसमें हमको चेक करना है कि 6 रेज टू द पावर n का एंड 0 लीड से हो रहा है या नहीं, ये हमारे को कैसे पता लगेगा। 6 रेज टू द पावर n, इसको चेक करना है हमें। ओके, तो देखो हम यहां लिखेंगे क्या, यहां हम लिखेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम और ओनली फैक्टर्स भी लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2, 3 विच डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन्स 2 and 5. ओके, सो 6 रेज टू द पावर n, 6 रेज टू द पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0, और इसी के अकॉर्डिंगली हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिवन नंबर क्या है। ओके, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कंसेप्ट, और इसके लास्ट क्वेश्चन में भी यहाँ हमारे को जो ये दो नंबर्स दे रखे हैं इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, इजीली कर सकते हैं, ऊपर हम सीख चुके हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इरेशनल नंबर्स, थोड़ा सा फोकस करना इसके ऊपर। एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है और 3 मार्क्स में ही बनता है, इस चीज को याद रखना, इरेशनल नंबर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो नंबर्स जो रूट की फॉर्म में होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, उनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। ओके, अब सिर्फ हमको ये देखना है कि उसको प्रूव कैसे किया जाए। ओके, सो एक क्वेश्चन से हम सीख जाएंगे इसको, प्रूव दैट रूट टू रूट लेते हैं, रूट टू इज इरेशनल। ओके, इसका सॉल्यूशन देखना, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो हमारे को इसको इरेशनल प्रूव करना है ना, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हमारे पास नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक रैशनल। ओके, तो हम ये करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट रूट टू इज रैशनल, हम इसको क्या ले लेंगे, रैशनल मान लेते हैं। देखो हमारे को प्रूव तो ये करना है कि वो इरेशनल है, बट हम नहीं मानते कि ये रैशनल है, तो क्या होगा, रैशनल होगा, लेट टू रूट टू इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इसको रैशनल कंसीडर कर लिया। तो जब ये रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, सो
रूट टू को हम क्या लिख पाएंगे? सो रूट टू को हम लिख पाएंगे क्या? रूट टू को लिखेंगे पी बाय क्यू। हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। देखो अगर वो रैशनल होता है तो इसका मतलब है कि वो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना? हाँ, एक कंडीशन है क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। हमने ये शायद डिस्कस किया था पहले भी, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक फैक्ट है। ओके, और एक चीज और देखनी है क्या, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू और को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ओके, मतलब कि रूट टू पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है क्योंकि वो रैशनल कंसीडर किया गया है। यहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक फैक्ट है। और पी एंड क्यू आर बोथ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। That clear? Okay. अब देखो ये जो हमारे पास लाइन थी root 2 is equal to p by q, यहां हम क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। यहां क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। एक बात याद रखनी है, स्टेप सभी यही होंगे, चाहे वो रूट थ्री हो रूट फाइव हो, हम यहाँ रूट टू के प्लेस पे रूट थ्री कर देंगे। बाकी सिस्टम मतलब जो भी नंबर्स हमने सॉरी एक्सप्रेशंस और इसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखी है वो सारी सेम रहेंगी। ठीक है, तो काफी इजी कंसेप्ट है, एक ही क्वेश्चन हमारे को बहुत कुछ सिखा देगा और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा सकता है। तो थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट टू का स्क्वायर करोगे तो ओनली टू बच जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर है ना, क्योंकि वहां तो रूट है नहीं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर, ऐसा ही होगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर के, ऐसा ही होगा। ओके, अब ध्यान देना, देखो पी स्क्वायर को यहां लिखा गया है क्या, पी स्क्वायर की वैल्यू है 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू 2 क्यू स्क्वायर है। अब मैं छोटा सा एक यहां एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो हम 6 को लिख सकते हैं क्या 2 × 3। थोड़ा ध्यान देना, तो 6 को लिखा गया है 2 × 3, तो हम ये बोल सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6 है ना, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, और ये भी बोल सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। तो देखो ऐसे यहाँ p स्क्वायर को लिखा गया है 2 क्यू स्क्वायर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर बोल सकते हैं ना, 2 इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ व्हाट, पी
स्क्वायर, है ना। ओके, अगर 2p स्क्वायर का एक फैक्टर है, वो p का भी एक फैक्टर होगा एज वेल एज p। 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर एज वेल एज p। सो हम p को पुट करेंगे, पुट p इक्वल टू व्हाट, 2r, p को हम 2r मान लेंगे। ओके, सो यहां रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, p की प्लेस पे 2r हम इस इक्वेशन में यहां पुट करेंगे। सो ये देखो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, p के प्लेस पे 2r पुट किया गया है, p के प्लेस पे 2r, 2r होल स्क्वायर, यही होगा। ओके, तो ध्यान देना थोड़ा सा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, 4r स्क्वायर, यही होगा। ओके, अब देखो यहां 2 से 4 कट होगा 2 पे, तो नेक्स्ट लाइन में हमारे जो रिजल्ट आएगा यहां सिर्फ क्यू बच जाएगा, सॉरी क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बचेगा यहां, क्यू स्क्वायर। स्मॉल नहीं बन रहा यहां, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये होगा। ओके, तो देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, यहां हम ये बात बोल सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एज वेल एज क्यू, है ना। ओके, तो देखो हमको ये पता लगा कि 2 जो है बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड क्यों, p एंड क्यों का हुआ, सो p एंड क्यों आर नॉट कोप्राइम, आर नॉट को प्राइम, जबकि हमने ऊपर उनको क्या माना हुआ है, कोप्राइम माना हुआ है। तो यहां हमको ये पता लग गया कि p एंड क्यों आर नॉट कोप्राइम, वो कोप्राइम नहीं है, है ना। So, our assumption is wrong, जो हमने माना है is wrong, and root 2 जो है वो क्या है, वो एक co-prime number, sorry
इरेशनल नंबर है एंड रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इधर क्लियर? तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं, चाहे वो रूट टू हो, रूट थ्री हो, रूट फाइव हो, रूट सेवन हो, डजंट मैटर। और थ्री मार्क्स क्वेश्चन आएगा, अच्छे से सीखना इसको, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो टीचर से पूछना। ओके, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड 1.3 ये तो काफी इजीली हो सकती हैं। ओके, करो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।